अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कीमा मैकरोनी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में नहायत आसान और लजीज होती है। अगर आपके बच्चे भी गोश्त नहीं खाते तो आप उनको ये कीमा मैकरोनी बना के दें, वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैंने ये इजी कीमा मैकरोनी की रेसिपी कैसे बनाई है। चलें इंग्रीडियंट्स नोट कर लें। कीमा है हमारे पास 250 ग्राम, वो ये एक पाव के करीब है। ये लेफ्ट ओवर कीमा है, बहुत ज़्यादा बन गया था तो मैं इस तरह यूज़ कर रही हूँ इसको पास्ता में। 1 कप बॉयल्ड मैकरोनी है मेरे पास, इसको मैंने नमक और ऑयल डाल के बॉयल कर लिया था, अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया था, तो ये ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं, स्टक नहीं हो। 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, और ओरिगानो है हमारे पास, ये हम थोड़ा सा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ये देखें, इससे बहुत बेहतरीन टेस्ट और बहुत बेहतरीन स्मेल आती है। 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 कैप्सिकम है हमारे पास, 1 अदद शिमला मिर्च है, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। पैन में थोड़ा ऑयल ऐड किया है मैंने, अब इसमें मैं थोड़ा सा कीमा फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। आप भी इस तरह से लेफ़्ट ओवर कीमे का बहुत अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं, आप देखिएगा इसका बेहतरीन पास्ता तैयार होगा। अब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा स्पाइसी हम इसलिए इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं कि हमारे कीमे में पहले से मसाले मौजूद हैं। अब इसमें मैकरोनी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे हम मैकरोनी को बॉईल करते ही ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लिया करें, क्योंकि उससे ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। देखें ये स्टक भी नहीं हो रही है। 8 to 10 मिनट्स बॉईल किया था मैंने इसको। अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें, और ओरिगानो हम लेंगे 1/4 टीस्पून। ये फ्लेवर्स हम इसलिए ऐड कर रहे हैं मैकरोनी के लिए, मसाले तो हमारे कीमे में ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसमें जाएगी मायोनीज़, ये बहुत पसंद आती है बच्चों को, और टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बेहतरीन है। केचप ऐड करेंगे, ये इतनी सॉसी सी बन के तैयार होगी। इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर इसको कवर करके रख देंगे, फौरन से डिश आउट नहीं करेंगे। देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी कीमा मैकरोनी इतनी जल्दी से तैयार हो गई है। चलें इसको डिश आउट करते हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से हमारी कीमा मैकरोनी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।